बस सुकून की तलाश में हूँ, कहीं पे सुकून मिल जाए अच्छा सा, और दिल की सारी बातें और जो परेशानियाँ हैं वो समाप्त हो जाए। हाँ, लेकिन कोई था कि हमें सिर्फ टाइम चाहिए था तो अच्छे से एक दिन मिला ज़रूर कि हम थोड़ा सा ही लेकिन पूरा एक दोस्त के साथ अच्छा सा टाइम स्पेंड कर सके। हुआ फील किया लाइफ में कोई तो ऐसा है कि बड़े थोड़ा सा पर लेकिन हमें समझ सकता है और पूरी वो समय वो टाइम ही ऐसा था कि जैसे दिल में बहुत सारी बातें और फीलिंग्स है कि उसे शब्द में तो बयान नहीं कर सकते, लेकिन बहुत ही अच्छा था वो टाइम कि एक दिन मिला और सुकून की लाइफ थी, सॉरी सुकून का वो दिन था इतना अच्छा कि हम जितना भी टाइम स्पेंड किया फ्रेंड के साथ अच्छा लगा और थी कुछ बातें दिल की, भले ज़्यादा हम कह नहीं पाए लेकिन हमने सुनी बहुत, हम कुछ बोल नहीं पाए पर लोगों ने हमको बहुत सुना दिया उस टाइम पे। लेकिन टाइम अच्छा था, सुकून मिला जितना भी मिला और दिल को अच्छा लगा कि यार कोई तो है, और कितने टाइम के बाद हदी लाइफ निकल जाती है लेकिन कुछ तो ऐसा सुकून मिला या कुछ ऐसा टाइम स्पेंड हुआ कि दोस्तों या किसी के साथ कि दिल को अच्छा लगा। ऐसा वक्त कभी कभार ही आता है हर एक की लाइफ में, पर जब भी आता है तो सारी परेशानियां दूर कर देता है और एक अच्छा सा माहौल क्रिएट कर देता है। ऐसा ही हुआ और दिल को बहुत सुकून मिला। बातें तो बहुत सारी थी मैं लेकिन हम कह नहीं पाए, काश कि हम चुप मीन्स के साइलेंट न बैठे रहते उस टाइम पे और अपना अपनी बातें गुनगुनाते, दिल की बातें बताते तो अच्छा होता है। अपन कहते हैं जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, तो बहुत टाइम के बाद एक ऐसा टाइम मिला, थोड़ा सा मिला अच्छे से मिला, टाइम स्पेंड हुआ और फ्रेंड्स मज़ा आ गया। लेकिन दिल हमें याद तो नहीं करना है वो पल, लेकिन सुकून थोड़ा सा मिला वही बहुत है कि भागदौड़ भरी ज़िंदगी में सब टेंशन में जी रहे हैं आजकल, लेकिन अपने लिए भी टाइम निकालो, फ्रेंड्स के लिए भी टाइम निकालो थोड़ा सा, तो आपको और सामने वाले को अच्छा लगता है। तो जो आपके क्लोज हो उसको एक बार अवश्य मिलिए, कॉल कीजिए या उसको थोड़ा सा टाइम दीजिए। वो कोई भी पर्सन हो सकता है, यार दोस्त हो सकता है, स्पेशल पर्सन हो सकता है, जो भी हो, मिलिए टाइम निकाले तो सामने वाले को भी अच्छा लगेगा। मेरे लिए तो मुझे थोड़ा सा सुकून मिल गया, लेकिन काश हम जो कहना चाहते थे पर हम कह नहीं पाए वो कुछ बात ऐसी थी, लेकिन हमने समझने का प्रयत्न किया कि लोग हमें क्या समझाना चाहते थे। हम कोशिश करेंगे कि हम उस बातों को गौर करें और समझें कि बार बार वो पर्सन या दोस्त बार बार नहीं मिलते, जितना भी मिला उतना उस टाइम पे बहुत ही अच्छा था, उसके लिए थैंक यू। और मैं बात
जो सामने वाला पर्सन मुझे की बात समझाई थी वो मैं समझने का प्रयत्न जल्दी करूँगा, और मैं समझ जाऊँ तो बहुत अच्छा है वो बात। और दोस्त, टू लव और डियर स्पेशल पर्सन। सो एक बार अवश्य अपने जो भी क्लोज हो उनको मिलो, उनको अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा और कुछ नया सीखने को भी मिलेगा। तो मेरी कोई बात पूरी हो या कुछ लैंग्वेज मिस्टेक हो तो सॉरी। और उस टाइम पे वो पर्सन के लिए जो था सुकून बन के आया था उसके लिए थैंक यू सो मच, जितना का उतना कम है लेकिन मेरे लिए बहुत ख़ास है, तो सो दिल से थैंक यू सो मच।